गदर टू का जादू बरकरार। 23वें दिन भी सनी देओल की फिल्म टिकट पर गदर मचा रही है। फिल्म ने तूफानी रफ्तार से कमाई करते हुए सभी को हैरान कर दिया है। फिल्म ने रक्षाबंधन की छुट्टियों में शानदार कलेक्शन की है। 23वें दिन फिल्म ने अपनी मजबूती पकड़ कायम रखते हुए 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 486.45 करोड़ की कारोबार कर लिया है। वहीं इस फिल्म की लागत 80 करोड़ मतलब 80 करोड़ रुपये है। यह अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कमाई कर ली है और अभी भी छाप रही है। और वहीं ड्रीम गर्ल 2 यानी पूजा ने बजाया दिल का टेलीफोन। 8वें दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 1 सप्ताह पूरा कर लिया है। अनन्या पांडे आयुष्मान खुराना स्टार फिल्म पहले दिनों से शानदार कारोबार कर रही है। फिल्म का ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि वीकेंड में ड्रीम गर्ल 2 की कमाई में थोड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन रक्षाबंधन पर अच्छा कमाई हो गई है। अब 8वें दिन फिल्म ने 7.8 करोड़ रुपए कमाए हैं। कुल मिलाकर पहले सप्ताह में 67 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड में 87.8 करोड़ रुपए की कमाई की है यानी 87.8 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब ड्रीम गर्ल 2 भी 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाला है। इस फिल्म की लागत मात्र 35 करोड़ रुपया है और ये फिल्म अपनी लागत से दुना कमाने के बाद भी आगे जा रही है। वही बात करें ओ माय गॉड 2 की तो पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 को ये सर्टिफिकेट मिलने पर जबरदस्त नुकसान सहना पड़ा है। हालांकि लोगों ने इसी बीच इसे सर्टिफिकेट बदलने की बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। इस फिल्म ने 22वें दिन केवल 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की है और 22 दिनों में इंडिया में 141.8 करोड़ की कमाई की है। हालांकि ये फिल्म 150 करोड़ की लागत पर बनी है और अपनी लागत अभी नहीं निकाल पाई है, इसलिए 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद भी ये फिल्म अभी हिट नहीं हुई है। वही बात करें जेलर की तो 23 दिनों में 329.28 करोड़ की कमाई की है। फिल्म जेलर की बजट 200 करोड़ की थी। फिल्म अपनी लागत निकालने के बाद अपना प्रॉपर्टी निकाल रहा है। वही फिल्म के वर्ल्ड वाइड के हिसाब से 600 करोड़ के आंकड़े पूरा की है। तो ये रजनीकांत सर की मूवी ब्लॉकबस्टर है क्योंकि अपनी लागत से बहुत ज़्यादा निकाल ली है और अभी भी निकाल रही है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी इसमें से कौन फेवरेट मूवी है ये भी ज़रूर बताना हमें। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।